Hello friends, here we will discuss about the second part of protein synthesis. इससे पहले हम लोगों ने translation का first part देखा था, जिसमें हमने activation of amino acid, the first step, और दूसरा step, initiation को discuss किया. यहाँ पर हम लोग elongation, termination, holding, processing, modification, difference between prokaryotes and eukaryotic translation के बारे में discuss करेंगे इस video lecture में. Be prepared for that. तो आइए देखते हैं. कल हम लोगों ने या इसकी पहले video lecture में हम लोगों ने initiation part को खत्म कर लिया था. आपके 30S, 50S ribosome bind कर गए थे और उस पर पहला amino acid F met जो है अपने adopter के साथ AUG पे bind कर गया. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन. इलोंगेशन इज द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन. तो यहां पे देखिए, ये हम लोगों ने यहां तक छोड़ा हुआ था और ये जो आपका सेकेंड अमीनो एसिड है दैट इज करेस्पॉन्ड टू CUU, CUU के कॉम्प्लीमेंट्री GAA ट्रांसफर आरएनए ल्यूसीन को लेकर आ रहा है. इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलोंगेशन में भी पड़ती है और इलोंगेशन में वो एनर्जी कौन लेकर आता है, देखिए tRNA आकर इस ए साइट पे, अमीनो एसाइल साइट पे, इलोंगेशन वाला जो इलोंगेशन वाली साइट पे आके नया tRNA या हम इसको कहें अमीनो एसाइल tRNA, ल्यूसीन एसाइल tRNA यहां पर आकर बाइंड कर गया है और इसके साथ आया है इलोंगेशन फैक्टर थर्मल अनसेंस्ड अनसेंस्ड. तो देखिए, जिस तरह से इनिशिएशन फैक्टर थे IF3, IF2, IF1 के बारे में आपने देखा था, उसी तरह से इलोंगेशन में भी इलोंगेशन फैक्टर थर्मल अनसेंसिटिव, इलोंगेशन फैक्टर थर्मल सेंसिटिव TS एंड EFG भी आता है. ये तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा. तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलोंगेशन के और ये GTP को लेकर आते हैं. GTP बाउंडेड इलोंगेशन फैक्टर है. तो GTP इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है इस इलोंगेशन स्टेप को, जहां पे एक अमीनो एसाइल tRNA आकर ए साइट पर बाइंड करता है. तो यहां पे देखिए, आके ये बाइंड कर गया है. नेक्स्ट स्टेप में GTP हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. GTP से एनर्जी मिलेगी, जो फास्फेट यहां पे टूटेगा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इसके बाद ये फैक्टर यहां से रिलीज हो जाएंगे. तो फैक्टर रिलीज हो गया. अब हमको क्या है कि राइबोसोम इस mRNA सीक्वेंस पे फॉरवर्ड मूव करे. 5' to 3' डायरेक्शन मूवमेंट होगा राइबोसोम का. 5' to 3' डायरेक्शन मूवमेंट होगा. तो यहां पर इस प्रोसेस को करने से पहले हमको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी. जो ये एपमेट है, ये एपमेट यहां सर ये टूटेगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ल्यूसीन के साथ. एपमेट टूटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में राइबोसोम हेल्प करती है. 23SRRNA राइबोसोम. राइबोसोम इज अ एंजाइम, दैट इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज अ आरएनए मॉलिक्यूल. इसको डिस्कस किया होगा पहले भी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम. तो राइबोसोम एक आरएनए मॉलिक्यूल है, वो भी राइबोसोमल आरएनए है और वो 23SRRNA. तो राइबोसोम का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है. तो यहां पे देखिए, ये एफ मेट टूटा और आकर ल्यूसीन के साथ बाइंड कर गया और दो अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुट गए. ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा इलोंगेशन में? इलोंगेशन में इसके बाद क्या होगा कि ये आपका देखिए पूरा का पूरा राइबोसोमल मशीनरी, द प्रोटीन मशीनरी मूव्स फॉरवर्ड. ये राइबोसोमल मशीनरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है 5' to 3' और इसके मूव करने से यहां पे क्या होगा, अब जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, सॉरी अब जो आपको पेप्टाइड बन रहा है डाइपेप्टाइड, वो आ गया है पी साइट पे यानी कि पेप्टाइडल साइट पे एंड अमीनो एसाइल साइट इज वैकेंट और ये अमीनो एसाइल साइट खाली है और इस पे इस UUC के करेस्पॉन्डिंग जो भी अमीनो एसिड होगा वो यहां पर अपने tRNA के साथ जुड़कर चार्ज होकर आएगा.
ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस इलांगेशन की बढ़ती रहेगी और ये इलांगेशन प्रोसेस तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए। तो आपको टर्मिनेशन कोडान, मैंने कोडान बताते हुए भी बताया था, UAA, UAG, UGA, तो ये टर्मिनेशन कोडान है। तो ये यहां पर दिख गया आपको कि कैसे आ रहा है। तो नेक्स्ट इस तरह से अब जब हम आगे बढ़ेंगे, हाँ जो कि एग्जिट साइट से, सॉरी इसको मैं बताने भूल गया, एग्जिट साइट से जो वैकेंट टीआरएनए है, क्योंकि अब उसपे जो अमीनो एसिड था वो ट्रांसफर होके दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, तो ये टीआरएनए आपका यहां से क्या होगा, वैकेंट हो गया, तो यहां से इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे स्टेप होंगे इलांगेशन के, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि देखिए यहां पे यूए टर्मिनेशन कोडान ना आ जाए। तो यहां पे टर्मिनेशन कोडान आ गया है, ठीक है, तो यहां तक आपकी पेप्टाइड बनी, यूसीसी तक पेप्टाइड बनी, अब इसके आगे आपको टर्मिनेशन कोडान है, तो अप टू हियर इज द कॉल्ड इलांगेशन। तो यहां पे बहुत सारी पेप्टाइड बन गई है, देख रही है आपको, तो ये जितनी लंबी इनिशिएशन कोडान से लेकर टर्मिनेशन कोडान तक, अगर मान लीजिए कि 200 कोडान है, ट्रिपलेट कोडान है, तो 200 अमीनो एसिड बाइंड करेगा और 200 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बन एक पेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड भी उसको कह सकते हैं हम लोग। तो पेप्टाइड इज द बॉन्ड एंड पॉलीपेप्टाइड मतलब जो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए हैं तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो 200 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड मान लीजिए जुड़ गया और उसके बाद आपका टर्मिनेशन कोडान आ गया, ठीक है, तो अप टू द प्रोसेस बिफोर द टर्मिनेशन कोडॉन इज कॉल्ड इलांगेशन। तो यहां पे आपका इलांगेशन प्रोसेस खत्म होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या आपको याद रखना है, वो अब हम लोग देखेंगे। तो यहां पे देखिए पहली चीज कि हाई प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन, 5' अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि एयूजी जो आपका स्टार्ट कोडान है, ये स्टार्ट कोडान है, स्टार्ट कोडान के पहले कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो अनट्रांसलेटेड होते हैं। भाई ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, एयूजी से, तो उसके पहले का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अनट्रांसलेटेड। इसी तरह से इस टर्मिनेशन कोडान के बाद, इस टर्मिनेशन कोडान के बाद भी आपको कुछ ऐसे कोडान मिल रहे हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम लोग 3' यूटीआर या 3' अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, इफ टू चार्ज्ड टीआरएनए, अगर दो चार्ज्ड टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ, बहुत ही पास ले आए जाएंगे, तो द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, और ये एनर्जेटिकली उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव है या होगा। तो ऐसा हुआ था, आपने देखा कि दो अमीनो एसिड अमीनोसाइल टीआरएनए बहुत पास में आ गए और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ 23 एसआरएनए हो गया। नेक्स्ट स्टेप है द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। 23 एसआरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम दैट इज कॉल्ड राइबोसाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। द अनट्रांसलेटेड रीजन are present at both 5' end and 3' end required for efficient translation process, और ये दोनों efficient translation process के लिए required है। The ribosome moves from codon to codon along the mRNA and amino acid bind one by one before the stop codon, तो stop codon के पहले तक one by one bind करता चला जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने बोला था, वो वहां पे लिखित में हैं, आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इज द फोर्थ स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन, तो फोर्थ स्टेज है, और टर्मिनेशन कब होगा, जब आपको टर्मिनेशन कोडान मिल जाए, तो इज सिंगल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 or 3 टर्मिनेशन कोडान इन द एमआरएनए, या तो UAA हो या UAG हो या UGA हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ओकर अंबर ओपल के बारे में डिस्कस किया था जब हम लोग कोडान को डिस्कस कर रहे थे। तो इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनल कोडेड अमीनो एसिड, फाइनल कोडेड अमीनो एसिड के ठीक बाद अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाएंगे तो वहां से टर्मिनेशन होना संभव है, यानी कि वहां से पेप्टाइड बॉन्ड आगे नहीं बनेगी, ओके।
तो दिस इज द स्टॉप कोडॉन आपको दिख रहा है, अभी मैंने हम लोगों ने देखा था इलांगेशन में भी। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो राइबोसोम है, ये देखिए राइबोसोम मशीनरी यहां आगे बढ़ गई, और वेन द टर्मिनेशन कोडॉन रीच टू द अमीनो एसाइल साइट, जब ये टर्मिनेशन कोडॉन अमीनो एसाइल साइट पे आ जाता है, तब यहां पर कुछ रिलीजिंग फैक्टर आके बाइंड कर जाते हैं। ये देखिए रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर गया, तो ये पहला स्टेप है टर्मिनेशन का। पहला स्टेप व्हेन द राइबोसोम का ए साइट करेस्पॉन्ड कर लेता है टर्मिनेशन कोडॉन के, देन आरएफ फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर आरएफ बाइंड्स, रिलीज फैक्टर भी कहते हैं इसको, इसको टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं, इसको डिसोसिएशन फैक्टर भी कहते हैं, तो डीएफ आरएफ टीएफ कुछ भी कह सकते हैं आप। तो पहला स्टेप वंस स्टॉप कोडॉन रीच द ए साइट रिलीज फैक्टर आरएफ बाइंड, आरएफ यहां पे बाइंड कर जाएगा ताकि कोई और बाइंडिंग किसी और एडाप्टर टीआरएनए की मॉलिक्यूल की बाइंडिंग ना हो। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में ये तीन तरह के होते हैं, यूकैरियोट्स में केवल एक ही तरह होता है। प्रोकैरियोट्स में आरएफ1 आरएफ2 आरएफ3 है, तो इतनी डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में पॉलीपेप्टाइड टीआरएनए लिंक्ड हाइड्रोलाइज, जो पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए का लिंक था, देखिए इसके पहले यहां पर ये लिंक था, ये लिंक हाइड्रोलाइज हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड इस टीआरएनए से अलग हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड तो अभी पॉलीपेप्टाइड आपकी अलग हो गई, टीआरएनए यहां पर बचा। अब क्या होना है कि इस टीआरएनए और इस रिलीज फैक्टर को भी यहां से डिसोसिएट होना है, तो तीसरी जो इसमें स्टेप होगा डिसोसिएशन ऑफ कंपोनेंट। अब यहां से कंपोनेंट भी डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद राइबोसोम फ्री हो जाएगा, वो फिर से नया कुछ भी वो मशीनरी फ्री हो गई, फिर से काम कर सकती है, फिर से नया पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कर सकती है। तो ये आपका टर्मिनेशन के तीन मेजर पॉइंट है, ठीक है, कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। जीटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द टर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। इनिशिएशन में भी जीटीपी लग रहा है, इलांगेशन में भी जीटीपी लग रहा है, टर्मिनेशन में भी जीटीपी लग रहा है, एक्टिवेशन में एटीपी लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है कि हम लोग बात करेंगे द सेम एमआरएनए, यही एमआरएनए कैन बी यूज्ड रिपीटेडली फॉर सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। यही एमआरएनए बहुत बार यूज किया जा सकता है एक ही पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी कॉपीज को बनाने के लिए। प्रोटीन का एक्सप्रेशन हम कहते हैं कि ज्यादा है कम है, तो ज्यादा है कम है का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा है। अगर किसी प्रोटीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी बहुत सारी कॉपीज बन रही है, और एक्सप्रेशन कम है मतलब उसकी कॉपीज कम है। तो यही एमआरएनए बार बार यूज होगा किस चीज के लिए, बहुत सारी कॉपी को बनाने के लिए। ओके, दिस इज डन बाय एसोसिएशन ऑफ नंबर ऑफ राइबोसोम। और ये कैसे होगा कि अभी एक राइबोसोम बढ़ रहा है, दूसरा राइबोसोम यहां बाइंड करके इधर पीछे चल रहा है, वो भी अपनी पॉलीपेप्टाइड ये निकल जाएगा, फिर वहां पे आएगा टर्मिनेशन पे दूसरा आएगा, तो ये इसको हम लोग पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो यहां पे देखिए आपको इस फिगर में आपको यहां दिख रहा है कि एक राइबोसोम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में यहां पहुंच गया है, यहां से इसकी पेप्टाइड रिलीज हो गई है, ठीक है। यहां पे ये लगभग कंप्लीट हो रही है, काफी लंबी पॉलीपेप्टाइड यहां से निकलती हुई दिख रही है। ये 30S सब यूनिट है, ये 50S सब यूनिट है, यहाँ थोड़ी छोटी है, और यहाँ पे अभी इनिशिएट किया है, बहुत ही कम पॉलीपेप्टाइड जुटे हुए। तो जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलते हैं या सीक्वेंस वाइज अटैच होते हैं, तो इसी को हम लोग पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फोल्डिंग एंड प्रोसेसिंग, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये लास्ट स्टेज है प्रोटीन ट्रांसलेशन का। तो यहां पर आपको प्रोटीन निकल गई है और ये पहला अमीनो एसिड फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन है, ठीक है। तो पहले तो इस फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को या तो डीफॉर्मुलेटेड होना पड़ेगा क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, और या फिर ये फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन यहां से डिसोसिएट हो जाए पूरी तरह से। भाई हर हर प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन नहीं होता है, बनते समय होता है। ये नेसेंट मतलब न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में जाता है, तब जाके फंक्शनल होगा।
तो इसके लिए इसको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अभी जो आपकी पॉलीपेप्टाइड यहां दिख रही है, इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसकी प्रोसेसिंग होने के बाद वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में जाएगा। तो जब हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, टर्सरी स्ट्रक्चर इज फंक्शनल, डोमेन इज फंक्शनल, एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फंक्शनल, जिसके एग्जाम्पल आपको दिए थे हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, ये सब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के द्वारा। तो यहाँ पे इस पहला प्रोसेस तो यही होगा कि इसको हटाना है, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड इज आइदर रिमूव्ड और डीफॉर्मुलेटेड। तो प्रोकैरियोट्स में जो पहला अमीनो एसिड है जो कि फॉर्मुलेटेड है, या तो उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसको डीफॉर्मुलेट कर दिया जाता है। तो अगर मेथियोनिन पहले पे चाहिए तो डीफॉर्मुलेट करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो पूरी तरह से उसको रिमूव कर देंगे। सेकेंड, द न्यूली रिलीज पॉलीपेप्टाइड हैज ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो नया रिलीज किया हुआ पॉलीपेप्टाइड है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ओके। इट इज फोल्डेड वेरियसली विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर चेपरॉन। कुछ मॉलिकुलर चेपरॉन होते हैं, चेपरॉन बोलते हैं उसको, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, ओके। तो मॉलिकुलर चेपरॉन्स चाहिए जो एज वेल एज वेरियसली प्रोसेस्ड, और बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, किसी को एसाइलेटेड होना है, किसी पे मेथाइलेटेड होना है, किसी को फास्फोराइलेटेड होना है, किसी पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल को की ज्वाइनिंग होनी है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस इसके बाद प्रोटीन ट्रांसलेशन के मॉडिफिकेशन में आता है। ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लेक्स आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसके। कुछ हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। कैसा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, पहला फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस तरफ आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन दिख रही है और इस तरफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन दिख रही है। प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो एवरीथिंग इज इन द साइटोसोल, पहली चीज प्रोकैरियोट में। यहां देखिए डीएनए रिप्लिकेशन के बाद यहां पे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ, अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ है तब तक ट्रांसलेशन हो रहा है। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चल सकते हैं, बट इन यूकैरियोट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे दोनों अलग अलग जगहों पे होती है। ये न्यूक्लियस में होता है, तो पहले न्यूक्लियस में आरएनए बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। प्रोसेसिंग में आपको पता है क्या होता है, 5' कैपिंग, 3' मेडिंग, उसके पहले आपको इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ये सब चीजें प्रोसेस में प्रोसेसिंग में आती हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है। और उसके बाद प्रोसेस होकर एमआरएनए साइटोसोल में आएगा, तब यहां पे इसको राइबोसोम मिलेगा, और तब यहां पे ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, ओके। तो पहला डिफरेंस तो आपको मैंने ये फिगर से बता दिया। अदर डिफरेंसेस देखिए क्या क्या है। राइबोसोम कौन सी यूज होगी, 70S इन प्रोकैरियोट्स, 80S इन यूकैरियोट्स, उसके सब यूनिट्स आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ओवरलैप कर सकती हैं प्रोकैरियोट्स में, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ओवरलैप कर सकती हैं, यहां पे डू नॉट ओवरलैप, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होती हैं। स्टार्टिंग अमीनो एसिड यहां पे एन फॉर्मल मेथियोनिन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में फॉर्मुलेटेड नहीं होता, यहां केवल मेथियोनिन है। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट यहां पे सेवरल होते हैं, ठीक है। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट्स मतलब एयूजी जीयूजी प्रोकैरियोट में होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, नहीं, यहां पे केवल आपको एयूजी ही होगा यूकैरियोट्स में, जो अदर जीयूजी मिला हुआ है वो कुछ बैक्टीरिया में ही मिला हुआ है, यानी प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाएगा। इनिशिएशन फैक्टर आपने प्रोकैरियोट्स का देखा था, IF1, IF2, IF3 आपको दिखा था, IF3 बाइंड कर गया, फिर IF1 बाइंड कर गया, फिर IF2 आया जीटीपी के साथ बाइंड हो गया। यहां पे ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम लोग यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A, 4E, 4F, 4G, ओके। चेन इलोंगेशन फैक्टर आपने देखा, EFT4, EFTS, EFG, ये तीन मैंने बताया आपको, यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर 1 और 2 मिलता है। यहाँ रिलीज फैक्टर तीन तरह के मिलते हैं, RF1, RF2, RF3, जबकि यहाँ पे केवल एक ही तरह का रिलीज फैक्टर है। तो ये मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद है। अपने चैनल के साथ, या आपका चैनल है, अपने चैनल के साथ बने रहिए, और इस चैनल को बढ़ाने के लिए, इस चैनल को आगे लाने के लिए आप जितना हो सके इसको नीडफुल स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो मेरी केवल इतनी गुजारिश है, धन्यवाद इन द लास्ट।